जी आ जाए। यासिर भाई, यासिर भाई। जी क्या बात है गैस, तुम इतने जोश में क्यों नजर आ रहे? क्या पता हमारे घर में कौन आया है? नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम बताओ कौन आया है और दूसरे की तुम इतने खुश क्यों? बात ही कुछ ऐसी है, हमारे घर में हमारे प्यारे अवैस भाई आए हैं और वो मेरे लिए बहुत सारी गिफ्ट्स भी लाया और आपको बुला रहा है। ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन उनके साथ और कौन है? उनके साथ उसका प्यारा दोस्त डॉक्टर अदनान आया है। ठीक है। जी आयुष भाई, क्या चाल है, क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक। सुना है तुम्हारा इंटरमीडिएट कंप्लीट होने वाला है, तुमने आगे का क्या सोचा है? डॉक्टर साहब अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, बट ये है कि मेरी अपनी तमाम तरफ फोकस जो है वो इम्तिहान की तरफ है। इंसान को अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और उम्र की जिस हिस्से में तुम हो इंसान को अपने लिए एक कैरियर चुन लेना चाहिए। तो बताओ, मैंने सुना है तुम फैमिली गैदरिंग और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने को अवॉइड करते हो, इसकी क्या वजह है? और जहाँ तक मुझे सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी का सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाता। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे इतनी घबराहट क्यों होती है। क्यों परेशान बैठे हो? आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो भी आया, लेकिन आप परेशान लग रहे हो, क्यों? नहीं मैं तो परेशान नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। लग रहे यासिर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ सच्चा। जी कोई परेशानी हो मुझे बताओ। जी लेकिन मुझे एक बात समझनी थी कायम भाई। जी जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मैं अपने कॉन्फिडेंस को सही नहीं कर पाता, हालांकि मैं एकेडमिकली भी स्ट्रांग हूँ। और दूसरा ये कि मेरे पर्सनालिटी में ये कॉन्फिडेंस क्यों इतना लैक करता है, मुझे समझ नहीं आती। नहीं यासिर तुम कभी भी ऐसा ना सोचना, ये तुम्हारी सोच जो सोच है कि तुम नहीं कर सकते, हालांकि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और एक बात जहन में रखो, किसी ने माँ के पेट से नहीं सीखा, ठीक है? हर बंदा इस स्टेज से गुजरा है तो कामयाब हुआ है। जी आप अपने जहन से ये बात निकालो, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी कहानी है दुनिया के जो बहुत इसी स्टेज से निकल के बहुत आगे गए हैं, तुमने इस तरह नहीं सोचना। जी ठीक है, माशाल्लाह तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने अपनी सोच को चेंज करना है। कैसे? तुम ये कहो कि जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस तुम्हारी भी एक स्पेशल खुशखबरी है। वो क्या है? वो ये है कि PFAB का पता है एक इंस्टीट्यूशन है। जी जी बिल्कुल। जो एक ट्रेनिंग कर रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, जो तुम्हारी सोच है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी पर्सनैलिटी वो डेवलप करेंगे।
ठीक है तुमने वो ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना है। नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुश्किल है। नहीं यासिर ये नहीं के लफ्ज इस तरह ना करो, माशाल्लाह तुम बहुत ज़हीन हो, तुमने वो ट्रेनिंग अटेंड करना है ठीक है, तुम उसके बाद अपने आप को फिर देख लेना ठीक है, फिर वो ट्रेनिंग अटेंड करना है। जी इंशाल्लाह मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। चलो आज दूसरा दिन है PDW9 का और देखते हैं कि मेम्बर बाब आज क्या पढ़ा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PFFB PDW सीजन 9। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जुमा मुबारक। नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, काफी मुश्किल टास्क है और ये गेम भी मैंने कभी नहीं खेली, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता और मैं अभी ग्रुप लेफ्ट करने वाला हूँ। ये देखते हैं मैम का क्या मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम यासिर, ये मैं क्या देख रही हूँ बच्चा, आपने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है। क्यों बेटा, आप तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे हर चीज, और इतनी अच्छी आपकी एक्टिविटीज थी, फिर हुआ क्या एकदम से? तो बेटा अगर दो दिन का गैप आ गया है तो नो इशू, हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी हिम्मत और करोगे ना तो फिर इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा बच्चा, ऐसी हिम्मत तो नहीं आती बेटा, और टाइम भी मैनेज हो जाता है, तो आप जरूर करेंगे और मुझे ये पता है कि आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत आगे तक जाओगे, और आपको पता है आप तो मेरे बहुत बेहतरीन जेम्स्टोन्स हो ठीक है। और देखो एक चीज मेरी हमेशा याद रखना खास आपके लिए, जब भी आप जिंदगी में हिम्मत हारो या आपको लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मुझसे नहीं हो रहा, तो आपने ये शेर मेरा हमेशा याद रखना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजरें जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। PFFB का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करीबन 3 हफ्ते तक जारी है, जिसमें यासिर ने भी हिस्सा लिया। इस कोर्स में हिस्सा लेने के बाद यासिर की कम्युनिकेशन स्किल्स और डेली लिविंग स्किल्स में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। इसके अलावा यासिर की पर्सनालिटी में खातिर ख्वाह नुमाया मुस्बत तब्दीलियां। यासिर जैसे कई लोग सिर्फ अपने डर और खौफ की वजह से अपनी सलाहियतों का भरपूर फायदा नहीं उठा पाते। इन सब मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द बोल्ड। यासिर भाई आपने अपना इंटर कम्प्लीट किया और माशाल्लाह आपके 85% मार्क्स भी आ गए, अब आगे आपने क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग किया और कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, ज़रा आप अपनी फील के बारे में जो हमें बता दें। जी बिल्कुल सुनील भाई आपने अच्छी प्रश्न किए, और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने इंटर अच्छे नंबरों से पास किए, और दूसरे ये कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैंने कहा जाए यूनिवर्सिटी जाना है, और अपने लिए मैंने जो करियर सेलेक्ट किया है वो सोशल साइंसेज है। यासिर भाई आपका पैशन क्या है? जी यासिर भाई मेरा पैशन ये है, जब मैं छोटा था तो मैंने उस टाइम से सोचना स्टार्ट कर लिया था कि मैं इंशाल्लाह एक दिन मैं CSP ऑफिसर बनूंगा, तो मेरा पैशन यही है कि इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में CSS करूंगा। यासिर भाई आपका टैलेंट क्या है? जी हमजा भाई अल्लाह ने सबको कोई ना कोई टैलेंट अदा किया होता है, तो मैं भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ने टैलेंट दिया है, काफ़ी सारे टैलेंट हैं। एक तो ये है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो गई है, दूसरी ये कि मैं सबको अच्छे तरीके से कन्वेंस कर सकता हूँ, एंड नेक्स्ट वन इज कि मेरे में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, यानी मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, सो ये मेरा टैलेंट है। मैं आपकी पर्सनैलिटी में पहले से बहुत से चेंजेस देख रहा हूँ, और दूसरा ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है, इसकी क्या वजह है प्लीज़ मुझे बताइए।
जी बिल्कुल अदनान भाई, अगर आप याद हो जैसे कि हम पहले भी हमने मुलाकात की थी, तो उस टाइम मैं काफ़ी यानी डिस्टर्ब था आपसे, आपसे मैं सही तरीके से बात नहीं कर सकता था और मैं आपसे बहुत शाय फील करता था, हालांकि मुझसे कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो अब मैं अलग शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है और मेरी किसी स्किल्स मेरी बेटर हो गई है। तो ये सब कुछ पी एफ बी का नतीजा है जो एक कोर्स करा रही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रूमिंग के हवाले से, तो मैंने वो ज्वाइन किया हुआ है। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, तो ये वजह यही थी। अच्छा आई थिंक आज आप सब लोग फ्री हैं, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना बाहर आउटिंग पे चलें। तो आदना भी आपका क्या ख्याल है, अभी जाना चाहिए? आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपनी गाड़ी को धोना पड़ेगा। तो इसकी कौन जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, यानी मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया था उसमें मैंने सब कुछ सीखा है, तो हम दोनों मिल के धो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी तो ये हमारी गाड़ी है, मैंने और मेरे कज़न ने मिलकर इसको हमने साफ किया और हम पार्क जा रहे हैं। जी ये देख सकते हैं मेरा एक ये कज़न है और एक मेरा ये है और एक हमारी छोटी बच्ची ईमान है, ये भी हमारे साथ जाएगी। इन लाइफ नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऑल यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर गोल And ambition, courage, confidence, and bravery will drive you towards your destiny. Thank you, PFFB, for making me who am I? Thanks for changing my life. Life is too short to get upset and sad. Confidence is the most beautiful thing that you can possess. If you have strong belief and self-confidence, the success is yours.